सिस्टम में रहने के लिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं वोट हूं और आप बस एक नोट। इश्क मुर्शिद 8 अक्टूबर से इतवार शब 8 बजे। इन सोचों में आप चाय ठंडी हो रही है आपकी? हाँ पीता हूँ। तुम ये रखो अपने पास, ये पूरे 4 लाख रुपए। लेकिन ये तो आपके उम्रे के लिए। बेटी के फर्ज के बाद हर फर्ज है। आरेज है कमरे में या चला गया? नहीं, वो गया नहीं, अपने कमरे में। तुमने देखा कल रात किस तरह उसने खुदा की शादी के मामले में एहसास से जिम्मेदारी का इजहार किया? मैं तो बहुत मुतमईन हुआ। जी अल्लाह करे कि इसी तरह एक दूसरे के हकूक पूरे करे। अब मैं चाय जरा आके पीता हूँ, आरे से जरा बात करूँ। जी ठीक है, आप ये पैसे भी उसे खुद ही दे दे। अच्छी बात। वर्दा मेरे कपड़े निकाल दो। वर्दा उठ जाओ यार, मुझे देर हो रही है। कब तक इस तरह नई नवेली दुल्हन बनी रहोगी तुम? इससे अच्छा तो मैं शादी से पहले ही ठीक था। एटलीस्ट अम्मी और हुदा मेरे काम तो कर दिया करती थी। आरेज बेटा। जी अब्बू आया। लगता है सासू माँ और हुदा का जादू फिर से असर दिखाने लगा है। इससे पहले कि ये मम्मी डैडी शोहर फिर से माँ के पल्लू पकड़ ले, कुछ करना ही होगा। जी अब्बू। मैं बस ये रकम देने आया था, ये 4 लाख रुपए मेरी जमा पहुंची। तुम आज ही बैंक्वेट की बुकिंग करवा देना और फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बुकिंग करा देना, और हो सके तो हुदा को सीधा यूनिवर्सिटी से ले जाना, अजमेर के साथ साथ उसकी पसंद भी शामिल हो जाएगी। चलो ठीक है। शाबाश जाओ। शुक्र है कि तुम उठ गई। ये रखो 4 लाख रुपए, इनको संभाल कर रखना, अब्बू ने दिए हुदा की शादी के अखराजात के लिए। क्या बात है, अंकल आंटी तो काफी समझदार निकले। कमेटी भरने की बारी आई तो 20,000 नहीं निकले, लेकिन 4 लाख तो फटाफट निकल गए। वरदा तुम बस कर दो, तुमसे मुझे कोई क्लेरिफिकेशन नहीं चाहिए। मुझे तो समझ ये नहीं आता कि आखिर ये तुम्हारे माँ बाप तुम दोनों बहन भाइयों में इतना फर्क क्यों करते। रखो इन्हें, कपड़े निकाल दो मेरे। एक मशवरा दूं, काम के वक्त ना आप खुद को अनमैरिड समझा करें। आंटी नाश्ता बना दिया? नहीं बेटा। ठीक है तुम चाय बनाओ, मैं पराठे बना देती हूँ। चाय और मैं मैं चाय बनाऊंगी। नहीं पता बेटा, हुदा के बाद तुमने ही घर के काम संभाल लिए। और मैं ये नहीं कह रही कि तुम हमारे लिए कुछ करो, अपने और अपने शौहर के लिए खुद नाश्ता बनाया करो, खाना बनाया करो, इससे मोहब्बत भी बढ़ेगी। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि आजकल मैं
खीर में तुम्हारा हाथ दिलवा देती। नोटिस कर रही हूँ मैं। जब से मेरे भाई के साथ आपकी बेटी की शादी तय हुई है, तब से आप लोगों के तेवर ही बदल गए। मुझसे उम्मीद मत रखिएगा ये मासी वाले कामों के, बिल्कुल भी नहीं। आप अच्छी तरह जानती है ना कि मैं कौन हूँ, वरदा आर्य। और ये जो थर्ड क्लास किचन के काम है ना, या जो भी घर के काम है, ये थर्ड क्लास लोग ही करेंगे, मैं नहीं करूंगी। क्या करूं, मैं अपनी माँ के घर चली जाती हूँ, वहां नाश्ता भी मिल जाएगा और सुकून भी। या अल्लाह, इस लड़की को हदायत दे। हाय। हाय, आप यहाँ कैसे? मैंने तो आपको मना किया था ना। हाँ, और मैंने मान भी लिया था, लेकिन मेरे ब्रदर इन लॉ ने ऐसी रिक्वेस्ट की कि मैं मना नहीं कर सका। अजमीर, इतबार का तो जमाना ही नहीं रहा, वो देखो। ये कब हुआ? असल में आपके बाबा जान चाह रहे थे कि उनकी लाडली बेटी अपने होने वाले हस्बैंड के साथ अपनी पसंद की शॉपिंग करें। तो चलें मैम। मैं बैग लेके आ रहा हूँ। ओके। अच्छा, जो दोपहर में जो सामान लाना है ना, वो मुझे बता देना, लिस्ट दे देना, और सब खाने की तैयारी हो गई है ना? ठीक। अच्छा ठीक है। मामा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वरदा, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ? सुबह सुबह मेरे लिए वहाँ रात गुजारना मुश्किल हो गया था, और आप कह रही हैं सुबह सुबह। अच्छा, रजिया वरदा के लिए चाय लेकर आओ। सिर्फ चाय नहीं, नाश्ता करूंगी मैं, भूख लगी है भाई। अरे तुम नाश्ता किए बगैर आ गई हो। अच्छा रजिया, जरा अच्छा सा नाश्ता बना कर लाए वरदा के लिए। क्यों मूड ऑफ है तुम्हारा? क्या बताऊं मैं आपको, सासू माँ का हुक्म है कि आज से किचन के सारे काम वरदा करेगी, खाना भी मैं बनाऊंगी, घर की सफाई भी मैं करूंगी। मैं कोई मुलाजिम? तुम्हें तो कहती थी ना मैं कि मिडिल क्लास लोगों में शादी नहीं करो, लेकिन नहीं, तुम पर तो आरेस के इश्क का भूत सवार था। बस बस रहने दे, जो होना था वो तो हो गया, कोई फायदा नहीं अब। लेकिन मुझे ये बताएं कि मेरे बगैर ही दिन तारीख फिक्स करने चली गई आप अजमेर की। हाँ तो मैं क्या करती? तुम्हारे बाप और भाई ने जाने से पहले मुझे कुछ इन्फॉर्म नहीं किया, वहां जाके तो मैं बिल्कुल बेबस थी। बस कर दे मामा, आप और बेबस कभी नहीं। सच कह रही हूँ वरदा, कल तक मैं भी यही समझती, लेकिन अब मेरी मानो, जो हो रहा है ना वो होने दो। इसका मतलब है कि आपने हार मान ली? आप कैसे कर सकती हैं ये? कर सकती हूं मैं, जब से तुम्हारे बाबा ने मुझे घर से जाने के लिए कहा है ना, उसके बाद से तुम्हें चुप्पी हो गई। लेकिन अब तुम देखना, मैं ना सिर्फ अजमीर की शादी से बल्कि उसकी होने वाली बीवी से भी ना फासला रखूंगी। एक मिनट, क्या कहा आपने?
बाबा ने आपको घर से जाने का कह दिया? देख रही है हुदा की ताकत, जो लड़की अभी इस घर में नहीं आई उसने आने से पहले ही। अच्छा उमेर मेरी बात सुनो, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, मेक श्योर सब कुछ परफेक्ट रहे। ओके ओके थैंक यू। मैंने तो सुना था आप सो रही है वरदा। और यकीनन ये आपने हुदा से सुना होगा। ज्यादा भाभी नन बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा मुझे आरिज ने बताया था। रजिया जरा नाश्ता जल्दी लेके आओ। हीरो डेकोरेटर ले आया है। आपी ये सारी चीजें आपको अजमीर भाई ने दिलाई है ना, बहुत कीमती लग रही है अम्मी, है ना? और ये वाला सूट मैं ना बिल्कुल सेम ड्रेस लूंगी आपकी तरह, ठीक है? हुदा बेटा ये सेट मुझे 6 तोले का लगता है। नहीं अम्मी ये 7 तोले का है और ये वाला जो है वो 3 तोले का है। ये लाइट वाला मेरी पसंद का है और ये भारी वाला अजमीर की पसंद का है। 10 तोला माशाल्लाह माशाल्लाह। हुदा बेटा तुमने दोनों सेट ले लिए, एक सेट की जगह तुम 2 चूड़ियां ले लेती। अम्मी 2 कंगन बन रहे हैं, नेक्स्ट वीक मिल जाएंगे। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, सब कुछ तुम्हें अल्लाह पहनना नसीब करे। अम्मी कितना प्यारा लग रहा है ना। हाँ वो भी अच्छा है। हाँ ये वाला भी अच्छा है। मुझे तो ड्रेस बहुत प्यारा लगा, देखे। हाँ लगता है शॉपिंग शुरू हो गई है। चीजें बता रही है, बैंक अकाउंट वरदा के भाई का इस्तेमाल हुआ है। क्यों ठीक कह रही हूँ ना मैं, 4 लाख से कई ज्यादा का सिर्फ ये एक सेट है। शॉपिंग लाखों की, मामा की बेबसी, बाबा की थ्रेड, और मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। और खुद से क्या क्या करूं मैं। इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? मुझे अच्छा लगा कि तुम आई। लिसन 2 मिनट है तुम्हारे पास, जो कुछ कहना है जल्दी कहो। कुछ लोगी? नो थैंक्स, जो कुछ दे चुकी हो कर चुकी हो वो बहुत है। एक्सक्यूज मी। दो कॉफी। थैंक यू। मॉम मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है जिससे तुम्हें अजमीर मिल सकता है। आई स्वेयर मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी अजमीर के साथ हो। तो मेरा मजाक उड़ा रही, इसलिए बुलाया है मुझे यहाँ पर? मैं तुम्हारा बिल्कुल मजाक नहीं उड़ा रही। और मैं क्यों उड़ाऊंगी तुम्हारा मजाक? देखो पर्सनली मैं यही चाहती हूँ कि हुदा की शादी शहीर से हो जाए और तुम्हारी अजमीर के साथ। और अजमीर एक बहुत अच्छा लड़का है तुम जानती हो। ओके तुम पहले मेरी बात सुन लो, अगर तुम्हें अच्छी नहीं लगे तो तुम बेशक चली जाना। युसरा बेटा भाई को कबाब। अजमी ये लो रोटी, बिस्मिल्लाह करो। अम्मी इन्हें क्या हुआ है, कल से मुंह क्यों फुलाया भाई? अजमी तो कभी भी इस तरह नहीं करता। मैं देखती हूँ।
अजीब है वैसे भाई, घर में इतना अच्छा माहौल है शादी का, इनके ड्रामे नहीं खत्म हो रहे। अब मैंने क्या करती है? नहीं, वैसे कुछ भी घर में गलत होता मैं ही करती हूँ ना, सारी खामियां मुझ में। युसरा, मैं देख रही हूँ तुम्हारी जबान बहुत चलने लगी, चुप हो जाओ, समझी तुम? देखो महाम, आखिर एक बार हुदा और शहीर का निकाह हो गया ना, तो तुम्हें अजमेर से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। वरना तुम ये सब कैसे सोच लेती हो? देखो, मेरे सोचने या ना सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ तुम्हारे सोचने से कि तुम क्या सोचती हो। अब तुम खुद बताओ, अगर अजमेर की शादी किसी और के साथ हो गई या हुदा के साथ होगी, तो क्या तुम खुश रह पाओगी? क्या तुम किसी और के साथ जिंदगी गुजारने का सोच पाओगी? क्या करोगी तुम? हाँ बताओ, जिंदा रह पाओगी? नहीं ना। पर्दा लेकर? लेकिन क्या? देखो, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ शहीर के दोस्तों को कन्विंस करना है, बाकी का प्लान उसके दोस्त हैंडल करेंगे। ट्रस्ट मी, तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा, तुम समझ रही हो? कहाँ गई थी? वर्दा से मिलने गई थी। वर्दा से मिलने? जी, उसकी कॉल आई थी मुझे। ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया था वर्दा को कि उसने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया? छोड़े मॉम, आप बिल्कुल ठीक करती थी जो इन लोगों से इतने अरसे तक नहीं मिली। मैं तो मिलना चाहती थी, लेकिन भाभी, ऐसे रिश्तेदारों से ना दूर रहना ही बेहतर है मॉम। मॉम, वर्दा ने ऐसा क्या कहा है तुमसे? क्यों बुलाया था? मॉम, क्या आप जानती हैं कि अजमेर और हुदा की शादी हो रही है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। तुम्हें किसने बताया? वर्दा ने? जी, उसी ने ही बताया। देखो महम, ये बात शहीर को पता नहीं चलनी चाहिए, वो बहुत मुश्किल से संभला है। अगर मेरे बेटे को ये बात पता चल गई ना, तो कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। मॉम, आप परेशान हैं, मैं नहीं पता। अजमी, ये क्या तरीका है? तुम खाना छोड़ के बाहर क्यों आ गए हो? क्या बात है, तुम उदास लग रहे हो मुझे। पता नहीं, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता हूं। अभी मुझे आपसे दूर रहने की आदत नहीं। तुम्हें किसने कहा है कि मैं तुमसे दूर जा रही हूँ? जिंदगी के हर कदम पे मैं अपने प्यारे भाई के साथ हूँ, ठीक है? और वैसे भी इतना दूर भी नहीं जा रही, ये पास ही तो अजमीर का घर है, आ जाया करना मुझसे मिलने। मुझे तसल्ली देते देते आप खुद उदास हो। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है अपनी फैमिली को छोड़ के जाना, बहन भाइयों को, और वो माँ बाप जिन्होंने आपकी कामयाबी के लिए ख्वाब देखे, आपकी कामयाबी के लिए दिन रात एक कर दिया। बहुत मुश्किल है। और तुम जैसा प्यारा भाई जो अपनी बहन को उदास देखते ही खुद भी उदास हो जाता है। चलो अब मुंह ठीक करो, चल के खाना खाते हैं। हाँ सर।
सर प्लीज ओपन द डोर। सर मेरी आवाज सुने क्या? अरे हाँ क्या हुआ? मोशेफ सर ने खुद को लॉक कर। जाओ तुम डुप्लीकेट चाबियां लेकर आओ। चल हाँ मेरे चल। शहीर दरवाजा खोलो, शहीर दरवाजा खोलो। वरदा, वरदा कहाँ से आ रही हो? मेरा कहने का मतलब बेटा अभी कुछ देर पहले तो तुम अम्मी की तरफ से आई थी, इसका मतलब है कि मेरे आने जाने की टाइमिंग नोट की जाती है। बेटा तुम हर चीज को क्यों इस तरह गलत सोचती हो? मेरा बिल्कुल दिल नहीं आपसे बात करने का। मत करें बहस प्लीज। छोड़े ना अम्मी, भाभी शॉपिंग करके आई हैं तो थक गई होंगी। वैसे भी इनके इकलौते भाई की शादी है, अब नंदे तो दो हैं लेकिन बहन भाइयों में अजमीर इकलौते भाई हैं। अब भाई की शादी की शॉपिंग के लिए खुश नहीं होंगी तो किस चीज के लिए होंगी? सही कह रही, और खुश होना तो बनता भी है। तुम मेरी भाभी बनने वाली हो, याद रखना अभी बनी नहीं हो। खैर अम्मी ये देखें दुपट्टे पे लेस कितनी खूबसूरत लग रही है, देखें ना। जी इट्स इमरजेंसी, मैं आपका एड्रेस बता रहा हूं, लिखें। यार अजमीर मुझे तो लगता है कि इन सब में ये अच्छा है। क्यों? मुझे भी ये अच्छा लग रहा था। मामा आप बताएं आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? मुझसे पूछने की क्या जरूरत है, जब तुम लोग खुद ही सब कुछ कर रहे हो तो मेरी ओपिनियन और सजेशन क्या मैटर करती है? डिसाइड कर लो अपने आप में। मामा ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके बेटे की शादी है, आपकी ओपिनियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट आप खुद बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो तुम अपने बाप से पूछो। मेरे इकलौते बेटी की शादी पे ना सिर्फ अपनी बीवी को इग्नोर किया जा रहा है बल्कि मुझे इस घर से भी निकलने का बोला है। क्या मामा? बोल दो अपने बाप को मैं अपने भाई के घर जा रही हूं। मामा बाबा तुम बैठो, फिक्र मत करो सब ठीक हो जाएगा, आ जाओ।
ये देखो। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, जब इस पर प्रिंट हो जाएगा ना बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर साहब कैसा चेंज? सलमान साहब आपको मैंने कहा था कि यंग एज में डिसेबिलिटी जिसकी वजह से इमोशनली ट्रॉमा भी हो सकता है और डेफिनेटली शहीर जिस स्ट्रेस से गुजर रहा है वो उसके लिए खतरनाक हो सकता है और शहीर ने खुद को जो जख्मी किया है गॉड फॉरबिडिंग ही कुड डाई। अल्लाह का शुक्र है उसकी जान बच गई, स्ट्रेसेस आए हैं। देखिए आप लोगों को फिजिकल हेल्थ के साथ साथ इमोशनल हेल्थ का भी बहुत ख्याल करना पड़ेगा आपको, ठीक है? ना जाने कहां से ये लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में आ गई है, सब कुछ बर्बाद कर दिया है सुधा ने, और तो और मेरे बच्चे की जान के दर पे पड़ गई है ये तो। अल्लाह देख रहा है उदा, अल्लाह देख रहा है। उदा तुम्हें मेरे भाई का बनकर रहना ही होगा क्योंकि मेरा भाई तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता और मैं अजमेर के अलावा किसी और की होना नहीं चाहती। सोचो वरदा सोचो, कुछ ऐसा सोचो जैसे खुदा के बदलते तेवर और समर्थन नसीब दोनों ही उल्टे हो जाए। छोड़े ना अम्मी, भाभी शॉपिंग करके आई हैं तो थक गई होंगी, वैसे भी इनके इकलौते भाई की शादी है। काश काश मैं खुद इसे गायब कर सकती। वहां कोई कसर रह गई थी जिसे पूरा करने के लिए तुमने फोन किया? हेलो दलत, ये कैसा मजाक है? तुम जानती हो कि अजमीर कितना परेशान है तुम्हारे लिए, और ये सब कहने की जरूरत क्या थी तुमको? कहने की? मैं सिर्फ कह नहीं रही हूं, करने की भी ठान लिया मैंने। अगर आपको एक माँ के दर्जे का, एक माँ के मकाम का एहसास नहीं है तो फिर उस माँ को तो शर्म आनी चाहिए ना जबरदस्ती की ममता दिखाते हुए। दलत तुम बिला वजह बात को बढ़ा रही हो, गलत रंग दे रही हो। तुम्हें याद नहीं कि वरदा की शादी में सारे फैसले तुमने किए थे? मैंने सिर्फ खामोशी और खुशी के साथ अपनी बेटी को रुखसत किया था, कोई एक भी शिकायत की थी मैंने तुमसे? नहीं की थी ना? और जब आज बात तुम पर आई तो तुमको एहसास हो रहा है वरदा की शादी पर बाप की शफकत का एहतराम याद नहीं था? अच्छा तो बदला लेने, ठीक है कर ले ये भी हसद पूरी। बदला? कैसी बात कर रही हो? मैं बदला लूंगा तुमसे, समझा रहा हूं और बता रहा हूं कि बात को समझो। उस वक्त मैं खामोश था क्योंकि वरदा की खुशी थी, और आज जो मैं फैसले कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि बेटे की खुशी है। और रही बात बदले की, अगर बदला लेने पर आ गया ना तो याद रखना कि हमारे दरमियान कुछ बाकी नहीं रहेगा, समझ आई? अल्लाह का है, मेरी मेरी अपनी जगह, मेरे अपने घर में इतनी कमजोर पड़ गई, और वो था
हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए कौन? जी मैं माहम सलमान, शहीद भाई की। वो कैसी हैं आप? शहीद तो ठीक है ना? शहीद भाई ठीक हैं, वो असल में उन्होंने ना मैं क्या आपसे मिल सकती हूँ? हम भाई को थोड़ी देर में घर ले जाएंगे। जी जी, बस हम थोड़ी देर में आते हैं आपके पास। जी ठीक है, बेहतर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्यों? आपके बगैर तो जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वहां जाके कैसे रहूं? पता है, बाप को खुशी अपनी बेटी के वजूद से जुड़ी महसूस होती है। मुझे याद है, अपने जब तुम्हें मुझे नवाजा था, मैं बिल्कुल बेफिक्र और मुतमईन हो गया। घर में रहमत जो आ गई थी, इतना प्यार करके, इतनी मोहब्बत करके मुझसे कैसे अलग कर दे? आशा, मर्द की जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश, सबसे बड़ी कुर्बानी बेटी की उसकी। मुझे लगा था सिर्फ मैं ही दुखी, अब तो मुझसे भी ज्यादा उदास। मेरी उदासी तुम्हें अजमेर के साथ खुश देख के पल भर मेरा पद पहुंच गया। तुम्हारी खुशी के संग तुम्हारे बाबा का दुख कोई परेशान है, उसे ज्यादा नहीं ठहर सकता। आप जानते हैं, आप दुनिया के सबसे बेस्ट बाबा, मेरे खैर ख्वाब, मेरे अच्छे दोस्त, यू आर द बेस्ट। भरता, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वो लड़की इस घर में आकर रहेगी। मतलब मेरी किस्मत इतनी, अपने आप को मैंने अपने बेटे और शौहर के सामने कभी भी इतना बेबस महसूस नहीं किया है। मुझे तो लगता है बस किस्मत भी यही चाहती है। अगर आपने हार मान ली, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं भी हार मान लूंगी। क्या मतलब? क्या करना चाहती हो तुम? क्या करने वाले हो? ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे तो तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही है। अच्छा सुनो, तुम्हारे ना भाई और बाबा आ गए, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हेलो सुनी, सामने कौन? वह वर्धा से ही बात करी थी अभी, उसने सोचा है कि वो एक कंबाइंड हुलकी रखना चाह रही है अपने भाई और भाभी के लिए। नाइस, काफी अच्छा आइडिया।
वैसे वरदा अंकल के यहाँ जाके काफी स्मार्ट हो गई है। वो तो है, पर साथ में एक बुरी खबर है। बुरी खबर? कैसी बुरी खबर? शहीर को अजमीर और हुदा की शादी का पता चल गया और उसने अपनी जान लेने की कोशिश की है।